ओरे पिया मैं तो तेरे ले सारा ता जगूं जिथे जावे तू ओथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानी है दिल ये टूट जानी है तेरे संग संग राह सारी कट जानी है मैं ता तेरे नाल रहना मन एना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब मैं अपना जोड़ लूं तू साथ ना हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह मैं अपनी मोड़ लूं ओ जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना कि तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना कि तेरे बिन
दुल्हा अचरवा किनार से, देखो दुल्हा अचरवा किनार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से। वो तो आया सखीरी गंगा पार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से। दुल्हे के तन पर दुपट्टा सुनहरा, दुल्हे के तन पर दुपट्टा सुनहरा, दुल्हे के माथे पे शोभे सुनहरा, दुल्हे के माथे पे शोभे सुनहरा, दुल्हा शोभे ओ, दुल्हा शोभे कजरवा की धार से, दुल्हा शोभे कजरवा की धार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से, वो तो आया सखीरी गंगा पार से। हो कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता, धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए। चादर आया तेरे शहर में राजा तेरा, दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा मेरा। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे तू बता। रुके ना रुके नैना, तेरे होंगे हैं भी तो रहना।
करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मन Oh.
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि भूमि सुतो बुधः पुरुष शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानो शशि भूमि सुतो बुधः पुरुष शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा खोली कच्चे धागों में पिरोली बातों की रंगोली से ना खेलू ऐसे होली मैं ना तेरा काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले आ मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले जमीन पे लगे ना तेरे ना मेरे पांव रे बिना औरत के अकेले अगर कोई गया किसी देव स्थान पे उसको कोई फल नहीं होता है। तो वही कन्या कह रही आज से आप कहीं तीर्थ स्थान जाइए कोई कथा सुनिए कोई पूजा करिए नवरात्र करिए घर प्रवेश करिए कुछ भी करिए हमसे सलाह करके हमको अपने साथ में लेकर के दाहिने तरफ बैठा के गांठ जोड़ करके करिए
तब मैं आपकी औरत बनूंगी। ये कन्या की पहली शर्त है। दूसरे शर्त में क्या कह रही है? प्रधान रमण माया दिया जगा कन्या बचनाम द्वितीया। दूसरे शर्त में कन्या कह रही है हमे प्रधान रमरान पितृश्यम देवता दो होते हैं, एक पितृ जो है और एक भगवान को देवता है, दो देवता पितृ देवता और भगवान। तो वही कन्या करे हमे प्रधान रमरान पितृश्यम हव्य दे करके पिंडदान करके पिंडद उपारते हैं, उसी को हव्य कहते हैं संस्कृत। तो पिंडदान करके पिंडदान जरूर किया कर पितरों का, जो नालायक संतान है वो कहते हैं कि सब ढोंग है जो मैं ये पाए नहीं, ऐसा नहीं गरु उठा करके देखिए साथ में लिखा है पितर जो है 15 दिन जो है पितर पथ में अपने संतान के दरवाजे पर आते हैं, खपड़ा छप्पर के ऊपर आते हैं। किस रूप में आते हैं? कौआ के रूप में। तो सबसे बताया गया था न जाने तो आज जान लगा पितर पथ में कौआ के करे दुआरे आइए खपड़ा पर बैठ गए पहले अकेले थे, कहाँ से आवाज रही आ रही है? तो तीसरे शर्त में कन्या करे कुटुंब रक्षा भरणम यदि तो पहले आप अकेले थे, खूब गुल्ली डंडा खेले होगा मजा के होगा गुलछर्रा उड़ाए होगा है, पहले आप अकेले थे, आप के ऊपर कोई जवाबदारी नहीं थी, लेकिन आज से आप विरक्त आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ गए, आज से आपके ऊपर जवाबदारी बन गई। हसा जी बात तुम्हारा सही में तो वही कन्या कह रही है कि कुटुंब रक्षा भरण यदि तो पूरे परिवार की माता जी का देखभाल, पिताजी का देखभाल, दादा दादी का देखभाल करना, पूरे परिवार का देखभाल करना और उसके साथ मेरी भी देखभाल करना आपका परम कर्तव्य बनेगा। वो कैसे बोलेगा? उसका जब उसको जब तकलीफ होगी तो उसका सांप लगता है उस घर में, वहाँ लक्ष्मी नहीं भाग जाती है, दरिद्रापा आती है, बीमारी आती है, बाप बूढ़ा हो गया, आँख से नहीं दिख रहा है, डंडा लेके चल रहा है और बोल दिया है बेटा जाओ जरा गाय को एक मंडी पानी डाल के जरा चारा डाल दो, पार गई लगा बजा, ऐसा मत करना। तो पशुओं की सेवा करना, पूरे परिवार की देखभाल करना, साथ में हमारा करना, ऐसा करोगे मैं तुम्हारी औरत बनूंगी। या कन्या की तीसरी शर्त है, चौथे शर्त में क्या बोली है? चौथे शर्त में कन्या करे आयम व्ययम धान्य धनाधिकारम विश्वानिवेशम प्रगृहम विजत। इसका मतलब ये है कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च रखना है। कमाने को दुनिया बहुत कमाती है लेकिन उसकी बड़ाई नहीं है कमाने की, 1000 रुपया कमाओ 15 से 1000 रुपये मतलब कमाई क्या 500 रुपया कमाया 250 रुपया 5 रुपया पर फेंक दिया, का मतलब निकला 2000 रुपया कमाया 4000 की दुआ फेंक के हार गया, ओकर का मतलब निकला? सुन बेटा सुन, वो वही औरत कह रही है कि आयम व्ययम धान्य धनाधिकारम आमदनी के हिसाब से खर्च रखना, 2 पैसा बचाने की कोशिश करना। पैसे की शोभा कब होती है? जब कमा के आपने बचाया, बचा के कुछ प्रॉपर्टी बना लिया, जैसे खेत खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, ब्लॉक खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, तो पूरा समाज और रिश्तेदार सब प्रशंसा करते हैं, फलाने का लड़के वो बहुत बढ़िया कमाया, ये चीज बना लिया, सामने दिख रहा है। और अगर आपकी 10 रुपए की कमाई है
तो 3 रुपया खर्चा करना, 4 रुपया खर्चा करना, 6 रुपया बचाने की कोशिश करना, और आपके पिताजी ने जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी बनाया है उसको 2 पट 3 पट करने की कोशिश करना, बेचना मत, तब मैं तुम्हारी औरत बनूंगी। या कन्या की चौथी शर्त है, पांचवें शर्त में क्या बोल रही है? पांचवें शर्त में कन्या कह रही है, एक संस्कृत में कहा गया है, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। औरतों का चरित्र सबसे सब जगह अपनी ताकत चल जाएगी, लेकिन मेहरारू के सामने न चलने, उनका क्रिया चरित्र औरतन के भगवान नहीं पार पाऊंगा। भैया तू का जन्म क्रिया चरित्र है, बताओ। वही कह रहे हैं क्रिया चरित्र, औरतों का चरित्र किस तरह कौन समझ के काम कहते ही का बोल दी का रोक लगाई दी, कोनो भरोसा नहीं, दुनिया विश्वास भी कहते जा सही था। तो क्रिया चरित्रम और पुरुष से भाग्यम और मनुष्य की भाग्य, आज कितने, आज आपके पास पैसा नहीं है, कंगाल हो, भिखारी हो, लेकिन कल आप धनवान हो सकते हो। आज धनवान हो, कल आप रोडपति हो, आज करोड़पति हो, कल रोडपति हो सकते हो। तो क्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम दैवम ने जाना कुटुम से, मेहरारू के चरित्र मन से दुख भाग्य भगवानों नहीं बता सकते। तो वही कन्या कह रही हो सकती है भाग्य आपकी लौटे काम हम उचत है। आपकी नसीब खुले, अच्छा पैसा कमाओ, जब अच्छा पैसा कमाते हैं लोग तो उसके उसको धर्म के काम में लगाओ, लक्ष्मी का सदुपयोग करो। अभी नहीं जोन बटे है तुहरे तो लगे 1 लाख रुपया बांटे गए बारूंगा के पिंडा पान चला, ऐसा मत करना, धर्म के काम में लगाओ। वो कमाई की शोभा धर्म के काम में होती है। किसी गरीब की कन्या, आपके पास ज्यादा पैसा, किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है वहाँ देखो, और तमाम तमाम जगह है देने के लिए, लेकिन और जो अपनी कमाई का अपना पैसा नाजायज जगह लगाते हैं, जैसे दारू हुआ, जुआ हुआ, ये सब खेलने वाले तो लक्ष्मी का अपमान करते हैं, और ऐसे जगह से लक्ष्मी चलती भाग जाती है। बिक्री समझ रहा है कि नहीं? तो वही कह रही है, आइए हम अपने विषय पर आते हैं। तो हो सकता है कन्या कह रही है भविष्य में आपके यहाँ से कोई मंदिर बने, तालाब बने, कुआं बने, बावड़ी बने, नया फ्लैट खरीदो, प्लाट खरीदो, कुछ भी, तो हमसे राय विचार करके और उसका ओपनिंग करते समय, पूजा करते समय हमको अपने साथ में लेकर के गांठ जोड़ करके करोगे, और हमसे सलाह करके नॉट अलाउड विदाउट माय परमिशन। तो हमको अपने साथ में लेकर के, हमसे सलाह लेकर के, हमारी अनुमति लेके करोगे। हमें शर्त में कन्या कह रही है देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा, चाहे देश में खेती करो, चाहे परदेश में नौकरी करो, आज से आपके ऊपर जवाबदारी बन गई। अब पापा के भरोसे भी रहा, पापा के ट्रांसफर कोई नहीं है, पापा जो करे के आज कहीं ना अपन देखे पढ़ाए लिखाए दिया खिया बड़ा कहते हैं, आज दिया कहते हैं, अब कुछ जिम्मेदारी महसूस कर तुम। तो देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा, चाहे देश में खेती करो, चाहे परदेश में नौकरी करो, चाहे धंधा व्यापार करो, चाहे विदेश में जाकर के कुछ करो कमाओ, लेकिन हमको रहने के लिए घर और पेट भरने के लिए रोटी और शरीर ढकने के लिए कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज की हमारी जवाबदारी आज से आपके ऊपर है, तब मैं आपकी औरत बनूंगी। ये कन्या की 6वीं शर्त है, 7वीं क्या कहिए? या से मनिया पर किया जाया
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। कंठ में भाषे सरस्वती वाणी, अपूरण काम गणेश करे सब विघ्न नसावत रुद्राणी। देश विदेश में कीर्ति बढ़े जस चंद्र कला सुमेश समाती, अपुत्र कलात्र का वंश बढ़े चिरंजीवी रहो ममया जी सबाणी। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिलको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ में, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ में, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें, तेरी तक दे जाऊँ नींदा चुराइयाँ में, तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ में। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना,
एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मो माया, सच्चा मन का वो कोना जहां प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन Oh,
रास्ता जो लफ्जों में नहीं हो बयां, दिल से सुन पिया ये दिल की दास्ता जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। कैसी डोर रे मैनों ने बांधी, कैसी डोर रे हो मुनसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे। दिखा दे माही मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। ओ आजा तेरा दर्श दिखा दे माही मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियां। चाहे सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं, हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्ता जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरों दिलबरों, मुड़ के ना देखो दिलबरों का,
बार फिर से दहलीज पार करा दिलबरो बर्फ गलेगी फिर से मेरे दिलबरो फसलें पकेंगी